नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। फसल गिरदावरी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश। फसल गिरदावरी के कार्य को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राजेश जैन ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि फसल गिरदावरी के कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व से कहा कि फसल की गिरदावरी के कार्य की रफ्तार बढ़ाने के लिए और मेहनत करें। जिन गाँवों में अभी गिरदावरी का कार्य शुरू नहीं हुआ है वहाँ तत्काल कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीकृत किसानों को फसल का सत्यापन कराने के लिए पटवारियों से फसल का सत्यापन कराने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए। बाकी बताएंगे शुक्ला जी और कृषि विभाग वाले को ये आपको फार्म भी बांट दीजिए, जरा लोग पढ़ लें फार्म क्या बनना है उसमें। अभी 50-50 दे दीजिए सबको, पनवाटी 40 को छः को पंचायतें नहीं पाँच। इसके अलावा अगर पंजीयन केंद्र क्रमांक में भीड़ हो रही है तो आप NIC में भी दे सकते हैं संबंधित, जैसे एक जनपद का आप जनपद में दे दीजिए, जनपद NIC में दे देगी। पंजीयन केंद्र क्रमांक जैसे मंडी की मैं बात करूँ, देखिए अभी मंडी गुना में अभी तक हुए 206 रजिस्ट्रेशन, मंडी कुमराज में 237, आरवन में खबी खसरे में डालना है B1 में, तो ये क्यों नहीं लेते इनसे, ये बात क्यों हुई जैन? देखिए सुन लीजिए आप सभी, अभी खसरे में भी आधार नंबर डालना है ये आपको जानकारी मिल गई और अभी तक किसी ने डाले नहीं है, उसको भी डाल दीजिए। और समग्र ID आधार इन्हीं से चलेगा, अब आगे से काम आप ध्यान रखना, बिल्कुल आधार नंबर जमीन के साथ भी लिंक करना है, वो निर्देश दें इसके बाद कर लीजिए। अभी तक जीरो है आपके यहाँ, 214 खसरों में हुए हैं, कुल 214 सर्वे नंबर पूरे जिले में अभी तक हुए हैं आधार से लिंक। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अरे यार 169 आपके बाकी और जगह के हैं, चलिए गुना तहसील के 169 बाकी जगह कम है, 214 हैं अभी तक पूरे जिले के, तो उसको आधार से लिंक करना है। इसमें ऐसी सचिव लोगों ने देख लिया, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जिसके लिए हमको कोई ज्ञान की अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता पड़े, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। सर्वे नंबर किताब विताब देख लीजिए, जरूर सही लिखें, मोबाइल नंबर देंगे तो उस किसान के पास मैसेज जाएगा। शहर के मध्य से निकली प्रेम यात्रा, विदिशा के सिरौन से निकली ठाकुर जी की यात्रा। इस यात्रा में सभी लोग भक्ति भाव के साथ झूमते हुए एक साथ कीर्तन करते हुए नजर आ रहे। सिरौन में महामाई के मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों में प्रेम की भावना को जगाना है। उक्त यात्रा वृंदावन जाकर समाप्त होगी। यात्रा में किसी के भी साथ में चलने की कोई मनाही नहीं है। यात्रा की संचालिका देवी कृष्णा किशोरी जी ने बताया, इसका उद्देश्य भगवान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए है, ताकि लोग हरि नाम जपते रहें। जाने के लिए और कोई शुल्क नहीं है ये जाने का, सभी नाचते हुए कहीं भी
अपने भाव में खूब डूबते हुए बड़े भाव से गाते हुए जा रहे हैं किशोरी, और इसका उद्देश्य ही यही है कि जन जन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़े, भाव उमड़े और सभी हरिनाम जाप करें, क्योंकि इसी से कल्याण होने वाला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले आज नगरपालिका के सामने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन 3 दिवसीय है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनसे सभी तरह के शासकीय कार्यों में मदद ली जाती है, इसके बाद भी उचित भुगतान नहीं किया जाता। इनका यह भी कहना है कि एक और महिला होते हुए उनसे अत्यधिक काम लिया जाता है। प्रशासन की कोई भी सेवा हो, कोई भी योजना हो, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ही कार्य करना पड़ता है। इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी कर्मचारी, वहीं सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा इनकी ये मांगे कब तक पूरी होंगी। कार्यकर्ता सहायिका को तृतीय श्रेणी में और सहायिका को चतुर्थी श्रेणी में राज कर्मचारी घोषित करें, न्यूनतम वेतन लागू करें। परिषद की बैठक के लिए निर्णय लिया अनुसार कार्यकर्ता को अर्ध कुशल व सहायिका को कुशल श्रेणी में न्यूनतम वेतन की सूचना जारी करें। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अन्य राज्यों की तरह 60 वर्ष की सेवा समाप्ति पर पेंशन लागू करें। इसके अलावा हमारी जो भी कार्यकर्ता बहने अर्ध कार्य करने के लिए न दिया जाए, महिला बाल विकास का जो कार्य है वही करने को दिया जाए। फिर से शुरू हुई ट्रैफिक पुलिस की सड़क सुरक्षा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बिना हेलमेट वाहन चालकों को चालान किए जाएंगे। इस मुहिम के अंतर्गत समस्त दोपहिया वाहन चालकों को समझाइश भी दी जाएगी कि वह बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। साथ ही समझाइश के बाद भी न मानने पर वाहनों की चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। चालू हो गया 1 तारीख से, उसी के तारतम में बिना हेलमेट के वाहन चालकों की कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी जा रही है कि आगे हेलमेट लगा के चलें। कार्रवाई चलेगी 31 दिसंबर तक, अभियान चलेगा, उसमें लगातार कार्रवाई होगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में आज प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया। प्रतिभा पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में छात्र एवं अध्यापक गण मौजूद रहे। प्रतिभा पर्व के आयोजन को लेकर आज अध्यापकों ने छात्रों से अपने अनुभव बांटे, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना से पधारे हैं। हम उनका इस विद्यालय में अनेक छात्रों ने पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च पदों पर आसीन हुए हैं, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपको शासन द्वारा हमारे विद्यालय में इतने भी। एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की। आप ही की तरह एक बच्चा था, छोटे से कस्बे में रहता था, वहीं पढ़ता था। केवल ये उसे पता था कि पास होना अच्छी बात है, ये नहीं पता था कि कोई डिवीजन भी होता है, फर्स्ट डिवीजन मेरिट भी होता है। और उस कस्बे की विशेषता भी ये थी कि जो पास हो जाता था तो कस्बे वाले बड़े खुश होते थे, मतलब पास ही सब कुछ है, पास या फेल बस। ऐसे करते करते वो स्कूल में आगे पढ़ता गया, पता नहीं 11वीं में उसको कैसे करके ऐसे नंबर आ गए कि वो नंबर का परसेंटेज 60 था, 60%, और वो फर्स्ट आ गया।
पर उसको फिर भी नहीं मालूम था कि फर्स्ट क्या होता है। तो कॉलेज गया, कॉलेज में सामान्यतया उसने पढ़ाई की, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा था उसके लिए कुछ अलग सा करना है। सुबह घोसीपुरा से ट्रैक्टर ट्राली से मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर की ट्राली पलटने से दो महिलाओं की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर के पीछे थ्रेसर बंधा हुआ था जिस पर महिलाएं बैठी थीं। रास्ते में गड्ढा होने की वजह से ट्रैक्टर का टायर गड्ढे में फंस गया जिससे पीछे लगा थ्रेसर पलट गया जिससे महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। समझ से परे है कि इस तरह से थ्रेसर पर बैठा कर महिलाओं को ट्रैक्टर चालक क्यों ले जा रहा था। बेबी बे हो जाता भाई ना इंश्योरेंस नहीं भरा ये इनकी फैमिली है ये बड़ी वाली लड़की कदम वो जा रहे थे जॉबिन काट ले थ्रेसर पीछे लग रही थी तो वो चला रहा था और चलाने के बाद में गड्ढा आ गया तो एकदम पलट गई वो। उस पर दो महिला जो थी उस पर पेट के भर उनकी वहीं के वहीं अपनी मृत्यु हो चुकी। आप भी साथ में थे? हम भी साथ में थे, हम उनके बगल से बैठे हैं। महिला पहला इस साइड बैठी थी और दो जेंट्स हम इस साइड बैठे थ्रेसर पे ही बैठी थी सब। और ट्रॉली खाली थी? ट्रॉली नहीं थी, मशीन लग रही थी पीछे। उत्तरा के करीबन 9:15 बजे की बात है, ट्रैक्टर चालक विनोद जाट मजदूरों को घोसीपुरा से लेकर सोयाबीन फसल कटाई के लिए ले जा रहा था। ट्रैक्टर ट्राली के पीछे थ्रेसिंग मशीन लगी हुई थी तो उसमें महिला मजदूर वगैरह बैठे थे। जो ट्रैक्टर ट्राली और थ्रेसिंग मशीन पलटने से दो महिलाएं दब गई और उनकी मौत हो गई। एक महिला है श्रीमती मीनाबाई, पति नरेंद्र जाटव, 33 साल घोसीपुरा, और दूसरी है श्रीमती सायरा बानो, पति रियाज खान, 33 साल घोसीपुरा। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।